सरों का। नमस्कार, मैं हूं मयूरी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। सीधे आपको ले चलते हैं वहां जहां महंगाई के खिलाफ कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। और मौके पर हमारे संवाददाता विवांशु मौजूद हैं। विवांशु, आप मौके पर मौजूद हैं, कांग्रेस महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं? जी मयूरी, आपको बता दें कि देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ आज कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन है। साफ तौर से अगर देखें तो इनके हाथों में प्लेट है, यानी कि इनके हाथों में जो तख्तियां हैं उसमें साफ तौर से महंगाई की मार अब नहीं सहेंगे अत्याचार, ऐसे अपने जो हाथों में तख्तियां लिए हैं उससे साफ तौर से ये जताने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रदेश में महंगाई है वो चरम सीमा पे है। और साथ ही इन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का साफ तौर से कहना है कि हमें विधानसभा के सामने प्रदर्शन करने की अनुमति दी जाए। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि एक बार दिखाएं, कांग्रेस पार्टी के बाहर बैरिकेडिंग करके इन कार्यकर्ताओं को यहां रोक दिया गया है। साफ तौर से अगर देखें तो ये कांग्रेसी कार्यकर्ता आज विधानसभा तक प्रदर्शन करना चाहते थे और कांग्रेस पार्टी के राजीव चौक के ठीक सामने बैरिकेडिंग लगाई गई है। और आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में यहाँ भारी पुलिस बल भी मौजूद है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल ठाकुर की अगुवाई में कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। हम इनसे भी बात करने का संवाद कर साधने का प्रयास करेंगे। या तो हमें धक्का के आगे चूल्हा बनाया है जी, आप प्रदर्शन को लेकर क्या करो? आप साफ देख रही हैं यहाँ पे कांग्रेसी कार्यकर्ता कहीं ना कहीं देश में बढ़ती महंगाई को लेकर आज प्रदर्शन कर रहे हैं। इनके हाथ में प्ले कार्ड है, साथ ही ये सिलेंडर लेकर आए हैं जिससे कहीं ना कहीं कल कमर्शियल गैस में 350 और साथ ही घरेलू गैसों के अंदर में 50 रुपए का इजाफा हुआ, जिसको लेकर आज ये पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो इनके प्रदर्शन से जो है साफ तौर से सरकार को ये कहीं ना कहीं आगाह करना चाहते हैं महंगाई को लेकर। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि यहाँ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी की अगुवाई में ये प्रदर्शन हो रहा है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का मांग है, पदाधिकारियों का मांग है कि हमें विधानसभा तक जाने दिया जाए और वहां जाकर हम अपना विरोध जताना चाहते हैं। आप साफ तौर से यहाँ का लखनऊ के जिला अध्यक्ष हैं, साथ ही साथ प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दूधी भी यहाँ हैं। और यहाँ आप तस्वीरों में देख रही होंगी कि यहाँ कार्यकर्ता लगातार पुलिस ने समझा रही है कि आप आज विधानसभा पे ना जाए, मगर ये अपनी मांगों पे अड़े हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि हमें विधानसभा तक जाने दिया जाए, वहां जाकर हम इस महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। आप तस्वीरों में देख रही, अपने सहयोगी विजय से कहूंगा कि वो दिखाएं, हाथों में सिलेंडर है और सिलेंडर से कहीं ना कहीं ये बताना चाहते हैं कि जो घरेलू गैस है साथ ही साथ कमर्शियल गैस में इजाफा किया गया है, इससे आम जनमानस को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आप ठीक सामने देख रहे हैं बृजलाल खाबरी है। बृजलाल खाबरी जी, आज के प्रदर्शन को लेकर क्या कहेंगे सर? आज के प्रदर्शन को लेकर अरे तो भाई आवाज ही नहीं आ रही, हम क्या पूछ रहे हैं? आज के प्रदर्शन को लेकर क्या कहेंगे? आज के प्रदर्शन इसलिए हो रहा है, सरकार ने जो तोहफा दिया है होली का, घरेलू सिलेंडर पे 50 रुपए, कॉमर्शियल पे 350 रुपए, दवाइयों पर, बिजली पर, तमाम तरीके के जो रेट बढ़ाए हैं बजट के तुरंत बाद, तो जो होली का तोहफा देश प्रदेश की जनता को दिया है वो तोहफा वो वापस करने के लिए हम जा रहे हैं। आप लोग कहाँ जाना चाहते हैं? जाना चाहते हैं विधानसभा राज्यपाल के द्वारे पे कि ये तोहफा अपना वापस कर लो तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। साफ तौर से आप ये कहना चाहते हैं कि जो तमाम चीजों पे महंगाई है उसको कम किया जाए। हाँ, जो अभी होली का तोहफा दिया है ना जनता को, तो वो वापस चाहते हैं कि हम वापस ले लो अपना, हमें ये तोहफा चाहिए नहीं। इसके लिए हम लोग कांग्रेस जन सब जाकर के राज्यपाल महोदया और मुख्यमंत्री जी के सरकार को ये आगाह कराना चाहते हैं, वापस कर लो वरना ये जनता तुम्हें वापस कर देगी। बिल्कुल, तो हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी थे
जिनका साफ तौर पे कहना है कि कांग्रेस पार्टी आज कहीं ना कहीं नेम प्लेट के इशारे से और चाहती है कि प्रदेश के अंदर में जो होली से पहले सरकार की तरफ से 50 रुपए घरेलू गैस और 350 रुपए जो कमर्शियल गैसों में इजाफा किया गया है उससे कहीं ना कहीं राहत दी जाए। और इन कार्यकर्ताओं का मांग है कि हमें विधानसभा तक जाने दिया जाए, वहां जाकर हम कहीं ना कहीं राज्यपाल महोदया को ये सिलेंडर गिफ्ट करेंगे। आप देख रहे हैं तस्वीरों में यहां कांग्रेस के कार्यकर्ता सो गए हैं और सोकर ये अपनी मांगों को मांग रहे हैं। मैं कहूंगा अपने सहयोगी विजय से कि वो दिखाएं कि ये कांग्रेस के कार्यकर्ता है जिनके हाथों में नेम प्लेट है जिस पर महंगी सब्जी, महंगे दूध, चारों तरफ महंगाई की लूट लिखी हुई है और इनका कहीं ना कहीं इस माध्यम से ये चाहते हैं कि हमारी मांगों को सुना जाए। आप यहाँ देख रहे हैं कि यूपी पुलिस के जवान इन तमाम कार्यकर्ताओं को यहाँ से हटाया जा रहा है। मैं एक बार कहूँगा कि इनके नेम प्लेट्स को आप दिखाएं विजय, जिसपे साफ तौर से तमाम चीज़ों को यह दर्शा रहे हैं और बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं महंगाई चरम सीमा पे है और इस पर सरकार को, केंद्र सरकार, राज्य सरकार को काबू में लेने की आवश्यकता है। तस्वीरों में देख रहे हैं कि ADCP राजेश श्रीवास्तव, बिजलाल खाबी जो कि प्रदेश अध्यक्ष का जिम्मा संभाल रहे हैं कांग्रेस के अंदर में, उनको कहीं ना कहीं मनाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप देख सकते हैं तस्वीरों में प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे भी इस प्रदर्शन में मौजूद हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि जो प्रदेश के अंदर महंगाई है उससे कहीं ना कहीं निजात दिलाया जाए। मैं कुछ और कार्यकर्ताओं से बात करूंगा मगर कहीं ना कहीं इस प्रदर्शन के माध्यम से कांग्रेसी कार्यकर्ता चाहते हैं कि प्रदेश और देश के अंदर महंगाई पर काबू पाया जाए। जी मयूरी, विवांशु जैसा कि तस्वीरों में देख पा रहे हैं बड़ी संख्या में कांग्रेसी मौजूद हैं, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर हम देखें तो महंगाई के खिलाफ कांग्रेस एकदम मुखर होकर सामने आ रही है। जी, इन कार्यकर्ताओं का साफ तौर पर मांग है कि हमें विधानसभा तक जाने दिया जाए और विधानसभा जाकर हम जो हाथों में सिलेंडर इनके है वो वहाँ वापस देना चाहते हैं। और ये कह रहे हैं कि होली से ठीक पहले 50 रुपए घरेलू गैसों में इजाफा, कमर्शियल में 350 रुपए इजाफा से कहीं ना कहीं नाखुश है और ये कह रहे हैं कि आम जनमानस इससे परेशान है और इस दिवाली के जो उपहार है इसको वापस लिया जाए। अच्छा, आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, किन मांगों को लेके कर रहे हैं? होली से इस देश में बढ़ती जा रही है हर दिन के साथ महंगाई, गरीबों पे जो जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है और अपने मित्रों जो उद्योगपति हैं बड़े बड़े उनकी जो मदद करी जा रही है उसके खिलाफ ये कांग्रेस पार्टी आज लखनऊ में प्रदर्शन कर रही है। गैस सिलेंडर LPG के दाम 50 रुपए बढ़ाए, कमर्शियल के 350 रुपए, गरीब कैसे खाएगा, कैसे अपने घर में अन्न बनाएगा? तो ये साफ तौर से युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो सरकार को कहीं ना कहीं निशाना साध रहे हैं महंगाई को लेकर। इनका साफ कहना है कि जो रसोई गैस है और साथ ही साथ कमर्शियल गैस है और तमाम जो रोजमर्रा की चीजें हैं उस पर महंगाई से कहीं ना कहीं जो आम जनता है वो परेशान है और इनका यही कहना है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार इन मामलों को लेकर अब कहीं ना कहीं अपना ध्यान केंद्रित करे। मैं विजय से एक बार कहूंगा, अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट से, जो आपको नेम प्लेट्स दिखाएं, नेम प्लेट्स पे कहीं ना कहीं सब्जी, दूध और जो रोजमर्रा की चीजें हैं उसको नेम प्लेट से दर्शाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि इन सब तमाम जो रोजमर्रा की जिंदगी की चीजें हैं उसको कहीं ना कहीं सरकार इस पर रोकथाम करे, आम जनमानस को महंगाई से निजात दिलाए। अब देखने वाली बात यह होगी कि जहां कांग्रेस के कार्यकर्ता, आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि सामने बृजलाल खाबी है जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, साथ ही अगर बात की जाए तो प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे हैं। हम नकुल दुबे से बात करने का प्रयास करेंगे। नकुल जी, आज के प्रदर्शन को लेकर क्या कहेंगे? अब हम लड़ाई पूरे प्रदेश और पूरे देश से लड़ना चाहते हैं, चाहे LIC हो, चाहे SBI हो, चाहे गैस सिलेंडर हो, चाहे डॉक्टरों से इलाज हो, चाहे आपका ये जो नया तमाशा शुरू कर दिया है इन लोगों ने। हमारा कहना है कि अगर इस लड़ाई को हम लोग सड़कों पर नहीं लड़ेंगे, इनके कान में जुआ नहीं देगा, इनको वोट चाहिए, इनको सरकार बनानी है, इनको जनता की दुख तकलीफ को कोई लेना देना नहीं है। इसलिए मैं अपने पुलिस के भाइयों से भी कहना चाहता हूँ, दुर्गावती जी से भी कहना चाहता हूँ, राजेश जी से भी कहना चाहता हूँ कि लड़ाई हमारी अकेले की नहीं है, ये लड़ाई पूरे प्रदेश की है, पूरे देश की है। आप सब लोग हमको, हम नहीं विधानसभा नहीं जाएंगे, लेकिन अगर हमको उस चौराहे तक, VIP चौराहे तक नहीं जाने को दिया जा रहा है तो ये हम सबका दुर्भाग्य है। अगर ये लड़ाई हमारी नहीं दिखाई पड़ेगी, चाहते हैं गैस सिलेंडर का दाम वापस लो, PGI में जो 50% जो जाटों में बढ़ा दिया हो उसको वापस लो और जो आपने बिजली के 23% दाम बढ़ाने के हुए उसको वापस लीजिए, नहीं तो हम लोग ये लड़ाई विधानसभा से ऊपर तक ले जाने कार्य करेंगे।
बात की जाए तो आप पार्टी कार्यालय से कहां तक मार्च करना चाहते थे? हम सिर्फ विधानसभा तक जाकर के सरकार की आंखें खोलना चाहते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, हमारी कमाई घटती जा रही है। अडानी के लिए क्या प्राण दे दोगे तुम लोग? अडानी सिर्फ देश का नागरिक नहीं है, 140 करोड़ की जनता का देश है, सबको समान अधिकार है और सबको अपनी बात को शांतिपूर्ण ढंग से विधानसभा के सामने रखने का अधिकार है, मैं ये कहना चाहूंगा। कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष बृजलाल खाबरी और माफ करिएगा, कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि पीजीआई के अंदर में कहीं ना कहीं जो जांचों पर 50% का इजाफा किया गया है, साथ ही बिजली के दरों में जो बढ़ोतरी की गई है, बस के अंदर में जो परिवहन विभाग है उसकी मूल्यों में कहीं ना कहीं इजाफा किया गया, इसको लेकर ये विधानसभा जाना चाहते थे और गैस सिलेंडर ये लोग लेकर विधानसभा के सामने रख कर प्रदर्शन करना चाहते थे, मगर प्रशासन की तरफ से यहाँ पहले ही बैरिकेटिंग करके इन्हें रोक दिया गया है और इन्हें दलील दिया गया है कि सदन की कार्रवाई चल रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार पे इस पर क्या रुख रहता है। मयूरी जी, लखनऊ से लगातार हमारे संवाददाता विवांशु आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां कांग्रेस लगातार महंगाई को लेकर प्रदर्शन कर रही है, नारेबाजी कर रही है, तमाम मुद्दे उठा रही है। विवांशु, कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, तमाम मुद्दे उठा रही है, नारेबाजी कर रही है, प्रदर्शन कहां से कहां तक चलेगा, कब तक चलेगा? जी, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनसा था कि ये अपने पार्टी कार्यालय से, यानी कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश मुख्यालय से निकल कर, अभी बात करें तो ये राजीव चौक पे हैं जो पार्टी कार्यालय के ठीक सामने है, यहाँ से ये कार्यकर्ता विधानसभा तक जाना चाहते थे, वहाँ जाकर कहीं ना कहीं गैस सिलेंडर और तमाम जो नेम प्लेट इनके हाथों में, इसे दर्शाना चाहते थे और सरकार का जो ध्यान है वो कहीं ना कहीं अपने तरफ खींचने का प्रयास और उन्हें कहीं ना कहीं अपने जो तमाम मांगों है उनसे मांग से और आम जनमानस जो महंगाई की मार झेल रही है उससे कहीं ना कहीं निजात दिलाने को लेकर ये विधानसभा जाना चाहते थे। अब आगे की मंशा अगर बात की जाए तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि हमें जाने दिया जाए, मगर आप तस्वीरों में देख रही होंगी, मेरे सहयोगी आपको लगातार दिखा रहे हैं, विजय एक बार आप दिखाएं कि यहाँ बैरिकेटिंग करके अब रोक दिया गया है, भारी पुलिस बल मौजूद किया गया है, साथ ही पीएससी के जवान भी यहाँ मौजूद हैं और इन कार्यकर्ताओं को साफ कहें तो उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार से बस यही कहना है कि महंगाई पर रोकथाम की जाए और जनता को, आम जनमानस को महंगाई से निजात दिलाया जाए। आप तस्वीरों में देख रही हूँ कि सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता जो कांग्रेस पार्टी के हैं वो अपने हाथों में नेम प्लेट लेकर और तमाम चीज़ों को दर्शा रहे हैं, हाथों में झंडा है, हाथों में कहीं ना कहीं गैस सिलेंडर है और इससे ये दर्शा रहे हैं कि प्रदेश के अंदर में जो महंगाई है उसे आम जनमानस त्रस्त है और केंद्र सरकार को और प्रदेश सरकार को इससे आम जनमानस को निजात दिलाने की आवश्यकता है। जी विवांशु, कांग्रेस महंगाई को लेकर मुखर होकर सामने आती हुई नजर आ रही है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। सीधे आपको ले चलते हैं विधान परिषद, जहां सीएम योगी संबोधित कर रहे हैं। आज एक फटकर के 6% तक आने जा रहा है, यह उत्तर प्रदेश की नई प्रोग्रेस को दिखाता है कि उत्तर प्रदेश एक सही दिशा में आगे बढ़ चुका है। और इससे पहले प्रदेश के अंदर जो बैंकों की स्थिति थी हम उस पर आएंगे, उस पर विस्तृत से विस्तार से चर्चा करूंगा, लेकिन $1 trillion के बारे में चर्चा करते समय हमारे बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जो कहते हैं कि साहब क्या ये संभव हो पाएगा? हम कहते हैं कि कौन सा काम है जो संभव नहीं हो सकता है? नेक नियति चाहिए, नेक नियति के साथ आप काम करेंगे तो ही संभव हो पाएगा, ये संभव होगा। पिछले 6 वर्ष के अंदर की यात्रा क्या आपको संभव नहीं दिखती है? क्या हमने संभव बनाया और $1 trillion की इकोनॉमी बनाने के लिए प्रदेश ने टीम यूपी ने 10 सेक्टर चिन्हित किए जिन पर लगातार कार्य हो रहा है। इनमें पहली सुरक्षा पहला है शिक्षा का सेक्टर, बेसिक माध्यमिक उच्च वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन, ये सब एक साथ मिलकर के इस दिशा में समग्र शिक्षा और सौभाग्य से राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने के बाद आज आपने देखा होगा इसके बारे में एक बात सामने आई है कि उत्तर प्रदेश यानी देश विश्व गुरु के रूप में शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय।
शिक्षा के लिए अनेक कार्यक्रम बनाए गए। 2017 के पहले अगर मैं उस पेपर की क्लिप्स दिखाऊं तो हर व्यक्ति इस चीज को लेकर के आश्चर्यचकित होगा कि कैसे उत्तर प्रदेश होता था। उत्तर प्रदेश उससे पहले कहां पहुंचा था, कहां लेकर चले गए थे उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश के अंदर 17 के पहले क्या स्थिति पहुंचा दी थी उत्तर प्रदेश के अंदर। 17 के पहले सूबे में 5वीं के 56% बच्चे हिंदी तक नहीं पढ़ पाते, उत्तर प्रदेश की स्थिति थी 17 के पहले। यूपी में प्राथमिक विद्यालयों की बढ़ाली की कोर्ट की रिपोर्ट ये 20 अगस्त 2015 की, 26,379 स्कूल चल रहे हैं एक कमरे में, सिंगल कमरे में, ये उत्तर प्रदेश की स्थिति थी। और यूपीएससी की हर परीक्षा पर सवाल अनिल यादव के अध्यक्ष बनने के बाद विवादों में आई थी, यह उत्तर प्रदेश के अखबारों की सुर्खियां हुआ करती थी। यह उत्तर प्रदेश 2017 के पहले का है। और आज मैं धन्यवाद दूंगा आप सभी मान्य सदस्यों को कि आपने ऑपरेशन कायाकल्प में एक विद्यालय को गोद लेकर के उसके रिनोवेशन की कार्रवाई की और आज उत्तर प्रदेश में 1,00,000 के